मैं हम बिल्डिंग वाले को रिक्वेस्ट ये है, ये जो न्यू स्मार्ट मीटर लगे उसको निकाल के हमारे जो पुराने मीटर थे वो आपके से इंस्टॉल कर दो। और वो जो आपके सामने पब्लिक दिखाई दे रही है बिल्डिंग की पब्लिक है, हम यहाँ कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए आए हुए हैं। BST के स्मार्ट मीटर्स वो लोग लगा कर गए और हम लोगों को उसका कोई नोटिस नहीं दिया गया। इसके बाद ये स्मार्ट मीटर्स की वजह से हम बहुत ज़्यादा बिल पे करने के लिए मजबूर हो गए। My biggest dreams to see you, seeing you be my friend, but no one is like you. इट इज़ प्रीटी ब्राइट डे। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा, मेरा नाम आदम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए, कैसे हो गए भाई। ब्राइट डे अभी दिखाई दे रहा है लेकिन वेदर फोकस बता के बारिश आने वाली है, जिसकी ऑब्वियसली मुंबई का इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि भाई गर्मी से हम उबल रहे थे। सोचो कहाँ 48 डिग्री सेल्सियस फील रहता था एंड कहाँ पे अभी जो 27 डिग्री सेल्सियस हो गया है। एनीवेज से आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करने का, उससे डेट आज हम लोग जाने का पुलिस स्टेशन, अपने को बोले तो पूरी बिल्डिंग को। चाहे कैसे मैं आपको आगे बताऊँ, सुबह ब्रेकफास्ट कर लेते अभी सुबह के जो 11:15 बजे लास्ट वॉक अभी जिसमें एंड किया। और वो जो आपके सामने पब्लिक दिखाई दे रही है बिल्डिंग की पब्लिक है, तो भाई साहब यहाँ पे भी बकरी की मंडी बंद गई, क्या बात है। मैं बकरे आपको दिखाता हूँ बाद में, पहले अपना काम बता लेते हैं। तो ये रही भाई भाईदुनी पुलिस स्टेशन। अभी जो कंप्लेंट एप्लीकेशन इसका जेरोक्स सिग्नल है। तो 12 बजे हम यहाँ पे आए थे, अभी जो 3 बजे नहीं आता है।
ये प्लेट ऐसा है हमारे पास, एक पंच है एक तुम्हारे पास है। आप उस पर एक स्टैंप लगाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है इसको? यहाँ पर आप जो सबके नाम और ये उस पर आप एक स्टैंप लगा कर देंगे, वो नहीं होता आपके हिसाब से, कुछ भी नहीं होने वाला, वो हमारा रिश्यू इधर रहता है, हमने दे दिया। सो यहाँ पे किसी को डीफेम या फिर डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है टू बीएसटी। जैसे कि आपने सुना ऑलमोस्ट पूरी बिल्डिंग के लेडीज जमा हो गए, तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। ऑफिसर थे उन्होंने 2 से 3 बार बाथरूम है, जैसे उन्होंने कहा ये जितनी भी सारी कंप्लेंट थी उसकी सेरोक्स निकल गया, तो एक कंप्लेंट के कुछ 4 पेज थे तो हम निकालने गए थे। अब पकड़ो 17-18 घर में बिल्डिंग के अंदर, तो वो सब हम जेरोक्स निकालने गए थे मैं और सरनल भाई। तो जेरोक्स निकालने में अपना टाइम और पैसा खर्च हुआ, एंड देन फिर जैसे हम जेरोक्स निकल के ऑफिस गए तो जेरोक्स का उन्होंने देखा भी नहीं। इंटरव्यू बात रही हमारी बिल्डिंग के लेडीज की, जिनमें हलीमा आंटी, रिस्पेक्ट टू हलीमा आंटी जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया सारी की सारी चीज़ें। जिस काम के लिए हम गए थे वो तो काम करने मना करे थे पुलिस वाले, लेकिन वो आंटी ने पॉसिबल किए हलीमा आंटी ने। गए थे 12 बजे एंड आया हम 3 बजे। भाई मैं तो पूरे 3 घंटे खड़ा रहा, और भी बहुत सारी वहाँ पे कॉपीज थे जिनके सेम प्रॉब्लम थे। जब मैं अपनी लाइट बिल का जेरोक्स निकालने गया था, मुझे जेरोक्स वाले की दुकान थी वो भी मुझे बोल रहे थे कि हमारे मीटर का ऐसा ही है, हमारा बिल ज़्यादा ऐसा था करके। तो आई उसको दैट यार ये हम सिर्फ अकेले फेस नहीं कर रहे, आई उससे एक पूरा एरिया ये फेस कर रहे हैं, जो कि डेफिनेटली बहुत गलत बात है। क्योंकि अगर सोचे ना भाई, हमारे ये अपने नेबर ही पास में, उनका घर 1 महीने से बंद था, उनका 16,000 रुपये बिल आया। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे जो लोग हैं वो रोज़ खड्डा खोद के पानी पीते हैं, जबकि अपने फैमिली से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने खर्चे हैं, उसमें से ये बिल फालतू का 15-16 हज़ार रुपये बिल आता है। तो भाई सोचो भाई इंसान का क्या दिमाग खराब होगा। एंड उसके अलावा इसका जो आउटकम है उतना कुछ स्मूथ नहीं होता, जैसे कि आपने देखा भाई 3 घंटे में वापस है। एंड ऑल्सो जो ऑफिसर्स थे वो भी सही से जॉब नहीं देते थे, ऑल्सो दैट एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट मैं कहूँ तो ऐसे तरीके से बात करते हैं जो कि डेफिनेटली नॉट एक्सेप्टेबल। पुलिस का काम ही है कि हमारी प्रॉब्लम हम उनको जाके बताएं, ताकि वो उसका कोई सॉल्यूशन दे सके। बस सॉल्यूशन तो छोड़ो भाई, वो सही से जॉब ही नहीं दे रहे थे, जो कि डेफिनेटली भाई किसी का भी बुरा लगेगा। 3 घंटे तक जो बिल्डिंग के लेडीज थे वो नीचे बाहर खड़े थे। अभी आप सोचो भाई खाना पीना कब पकाएंगे वो लोग, भाई कितने में घर पे जाते खाने पीने बना, क्योंकि भाई 3 बज गए थे, मैंने कुछ 4 बजे खाना खाया। हमें पता है भाई ये काम पुलिस का नहीं है, पीएसटी का है, बट स्टिल जो एक कंप्लेंट है वो तो एटलीस्ट वो ले ही सकते हैं। बाकी हली मंडल के बहुत लंबी चौड़ी कम्युनिकेशन हुई वहाँ पे जाके, इसके बाद भी वो नहीं मान रहे थे, बट स्टिल लास्ट में जो है वो उन्होंने स्टैम्प मार दिया। तो एक स्टैम्प के लिए हमें 3 घंटे वेट करना पड़ा, जो कि हार्डली 10 सेकंड का भी नहीं था। भाई ये आज का हमारा इंपॉर्टेंट काम था, अभी और भी काम बाकी ऑफिस के, अभी इंशाल्लाह वो जो भी होगा जैसा भी आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। और वाइट सो दिस इज द नेक्स्ट डे, एंड कोई बड़े ही महीने के बाद आज मैंने गीजर ऑन करके जो नहाया हूँ, नहीं तो भाई पानी इतना ज़्यादा गर्म आता था कि गीजर चालू करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और आज जगह सुबह तो मस्त धूप निकली, अभी सुबह की जो है 11 बज रहे हैं। और ये जो स्मार्ट मीटर का जो लोचा है जो भी है, अगर आप ये फेस करें तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना, इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, किसी और के बिल्डिंग में अगर ये मीटर लग रहे हैं तो एटलीस्ट वो रोक सके। भाई हम बिल्डिंग वाले को रिक्वेस्ट ये है, ये जो न्यू स्मार्ट मीटर लगे उसको निकाल के हमारे जो पुराने मीटर थे वो आपके से इंस्टॉल कर दो, क्योंकि इसमें लाइट बिल बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। डू शेयर दिस ब्लॉग एंड डेफिनेटली आपके थॉट मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके भाई क्या है। विद्या शेयर इस ब्लॉग को मिलता हूँ ये भी समाप्त, अगर मैं चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, बाकी तुम मुझे फिर भी फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय डे, नेवर गिव अप, मिलता हूं आपको बचन नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड पीस आउट। सो आई वांट टू से अल्हम्दुलिल्लाह, गॉड गिव मी एवरीथिंग।